साहब यार, मतलब अजय देवगन भाई ने सोच लिया है कि 2023 में जितना ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करना है वो करेंगे, और भाई एक के बाद एक भयानक किस्म का चीज दे रहे। देखो अभी कुछ दिन पहले अभी भोला चल ही रहा है, आज मतलब इतना ज्यादा ट्रेंड चल रहा है भोला का, भोला भोला, और एक महीना से भोला 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 भाई। जब भोला देख रहे, जैसी भोला रिलीज हो गया भाई, तो उसके पास फिर एक मैदान दे दिया यार। मैंने मैदान का टीजर देखा, और सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो फुटबॉल बेस पे जो स्टोरी है ना, वो बॉलीवुड में बहुत कम है भाई, गिन चुन के एक दो। यार भाई रियल स्टोरी तो मेरे हिसाब से कोई होगी शायद। भाई इस स्टोरी को जिस हिसाब से दिखाया जा रहा है भाई, ऐसा स्टोरी चाहिए इंडियन ऑडियंस को। क्योंकि भाई देखो, स्पोर्ट्स के रिलेटेड भी अगर कोई मतलब मूवी बने, अगर रियल बेस स्टोरी या बायोपिक हो, तो भाई हम लोगों को भी समझ में आएगा, एटलीस्ट ये एडुकेशन के तो काम आएगा। तो मैं इस मूवी के लिए बहुत ज्यादा दिन से वेट कर रहा था, और ये मूवी काफी ज्यादा डीले हुई भाई कोविड को लेके, तो क्रू मेंबर ने ये तो डीले होते। फाइनल भाई 23 जून को ये मूवी लॉक्ड हो गई है, और इसका टीजर भाई यार एकदम बाप लेवल का। देखो इस मूवी के जो डायरेक्टर है ना भाई साहब, अमित शर्मा, आपको याद होगा बधाई हो के जो डायरेक्टर थे अमित शर्मा, जी हाँ वही अमित शर्मा। और इस मूवी को प्रोड्यूस कर रहे हैं बोनी कपूर भाई साहब, जो अपने जानवी कपूर के पापा है, बोनी कपूर वही प्रोड्यूस कर रहे हैं। देखो ये जो बायोपिक बनी है ना, सैयद अब्दुल रहीम के ऊपर बनी है, जो एक बहुत बड़े कोच थे और मतलब फुटबॉल के मैनेजर भी तुम बोल सकते हो। तो उनकी लाइफ स्टोरी पे किस तरीके से उन्होंने गोल्ड मेडल जीत के लाया, पूरा का पूरा माजरा दिखाया जाएगा। तो और जिस हिसाब से टीजर को प्रेजेंट किया, थोड़ा और बड़ा होना चाहिए था मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से प्रेजेंट किया गया ना भाई साहब, इसमें तुमने अजय देवगन का डायलॉग सुना भाई, आज मैदान में उतरने 11 दिखना एक, भाई साहब इसका मतलब अगर तुम बहुत निकाल सकते हो भाई साहब, ये सच बताओ रियल लाइफ में भी निकाल सकते हो। अगर आप 4-5 भाई हो या दोस्त हो भाई, तो अगर अलग अलग हो ना भाई, कहीं पर जाओ किसी के सामने, तो भाई एकजुट रहना भाई, तुम्हारा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकेगा भाई। तो वही चीज को अजय देवगन ने कहा है, और जो आंखों से आंसू निकल रहा है ना भाई यार, जब भी अजय देवगन रोते हैं तो मेरे को तो डर लग जाता है भाई कि अब ये कुछ पक्का, ये कुछ ना कुछ कांड करने वाले भाई, जब भी उनका आंख से आंसू निकलता है भाई। तो ओवरऑल बात करो तो काफी ज्यादा अच्छा था ये मैदान का टीजर। तो भाई साहब आप कितना वेट कर रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।